हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 28 सितंबर और जो सबसे पहली न्यूज है वो चैंपियंस ऑफ अर्थ के बारे में है। बात करें चैंपियंस ऑफ अर्थ की तो ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन के तहत अवार्ड हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के तहत दिए जाते हैं। चैंपियंस ऑफ अर्थ यूनाइटेड नेशन के तहत हाइएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होता है, एक सबसे बड़ा सम्मान होता है पर्यावरण की फील्ड से जुड़ा हुआ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा 2005 से चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिए जाते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एनवायरमेंट में पॉजिटिव इंपैक्ट लाने के लिए, उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। 5 कैटेगरीज में दिया जाता है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड: लाइफ टाइम अचीवमेंट, पॉलिसी लीडरशिप, एक्शन एंड इंस्पिरेशन, एंटरप्रेन्योरियल विजन, साइंस एंड इनोवेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 फील्ड में दिया जाता है। और फिलहाल में कंटेक्स्ट ये है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव के लिए लीडरशिप कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना है आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए पीएम मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लीडरशिप की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया को एक और अवार्ड दिया है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसमें पूरा एयरपोर्ट का तो डायग्राम नहीं है बहरहाल, लेकिन ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये सोलर एनर्जी से इक्विप्ड है, फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी और वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है। तो ये सस्टेनेबल एनर्जी के मामले में इसको ये अवार्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए। तो ध्यान रखना है आपको, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ठीक है, पीएम मोदी को और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। देखिए, यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ इनिशिएटिव इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसमें यूएनईपी, रियो समिट, यूनाइटेड नेशन या यूरोपियन यूनियन, सार्क, कुछ भी करके ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये डिस्कस किया। इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन एक पहले भी पूछ चुकी है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल क्लाइमेट, ये 2017 में पूछा गया था कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और जैसा मैं बता रहा था कि इट इज ए इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। फिर इसमें बात की गई है कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस होता है, ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया या जो भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसके अलावा इसमें यूपीएससी ने एक और ऑप्शन रखा कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन सेट करती है। बहरहाल, इसका जो आंसर है वो ए है। ध्यान रखना है आपको, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस था वो ग्लोबल यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव था और इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को। और यूपीएससी की एक टेंडेंसी और भी है कि कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी एक या दो ऑप्शन फालतू के डाल देगी और बच्चे को पता नहीं होता है और इधर पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो अस्त्र मिसाइल के बारे में है। अभी हाल ही में जो अस्त्र मिसाइल है उसका सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से इसका टेस्ट किया गया। फिर से बोलता हूं, जो अस्त्र मिसाइल है अभी हाल ही में इसका जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा से इसका अभी सक्सेसफुल टेस्ट किया गया, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आप मुझको कमेंट में ये बताइएगा कि जो एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा है ये कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, हम बात कर रहे थे अस्त्र मिसाइल की, तो मैंने बताया सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से अभी हाल ही में इसका टेस्ट लगाया गया, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और कहीं भी मैनोवरिंग टारगेट और हाईली प्रिसीजन की जरूरत होती है तो जो अस्त्र मिसाइल है इसका यूज किया जाता है। कहीं भी बहुत ज्यादा पैंतरेबाजी से कहीं पे अटैक करना हो बहुत चालाकी से, तो इस तरह से अस्त्र मिसाइल के थ्रू अटैक किया जाता है। ये डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है और ध्यान रखना है आपको, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसमें इनर्शियल गाइडेंस और टर्मिनल एक्टिव रडार सिस्टम है, तो इसकी प्रिसाइजनेस अच्छी है। इसके अलावा जो वेरियस एल्टीट्यूड पे कोई भी टारगेट है उसको अटैक किया जा सकता है, जैसे कि 20 किलोमीटर की हाइट पे कोई टारगेट है या लॉन्ग रेंज टारगेट है 80 किलोमीटर की हाइट पे, तो भी अस्त्र मिसाइल के द्वारा उसको अटैक किया जा सकता है। इसमें देखिए, मैंने ये तैयार किया है तो आप ध्यान रखिएगा, एयर टू एयर मिसाइल में कौन कौन से आपके आ जाते हैं। इसमें
अस्त्र भी ध्यान रखना है, और ये नोवेटर सरफेस टू एयर मिसाइल में त्रिशूल, आकाश, बराक, ठीक है, इनकी रेंज वगैरह भी ध्यान रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए। और इसमें मैंने ये टैब बनाया हुआ है, एक याद रखने की ट्रिक थी ये, TAB है ना, त्रिशूल, आकाश और बराक जो मिसाइल हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, सबकी रेंज ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज पुलिस फोर्स रूल्स के बारे में है। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें बात की गई है कि जो यूनियन टेरिटरी, हमारी कंट्री में जो 6 यूनियन टेरिटरी हैं, इनकी जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको अमलगमेट कर दिया जाएगा, मतलब सबको मिला के एक बना दिया जाएगा। इसमें बात की गई है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि डायरेक्ट IPS के तौर पे रिक्रूट नहीं हुए हैं वो सभी अब इसके दायरे में आ जाएंगे। 6 UTs के जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं अब उनको मिला के एक सिंगल पुलिस फोर्स बनाई जाएगी जिसको सेंट्रल पुलिस कैडर बोला जाएगा। इसमें अंडमान निकोबार, दिल्ली पुलिस, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़ की जो पुलिस हैं वो सभी एक सेंट्रल पुलिस कैडर के तहत आ जाएंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री का उस पर कंट्रोल होगा और ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा, कहीं भी इनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसमें एक कंडीशन ये भी दी गई है कि कोई भी जो इंस्पेक्टर है और यदि वो ACP की रैंक तक उसका प्रमोशन हुआ है तो वो भी अब इस पुलिस फोर्स रूल के तहत आ जाएगा, उसको यूनियन होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। नॉर्मली होता यह है कि कहीं भी जो ड्यूटीज रहती है वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो जो लोकल पॉलिटिक्स रहती है वहां पे जुड़ जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनके जो लोकल में जो उनके फायदे रहते हैं वो उसको सर्व करने लगते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये सब नहीं चाह रही है और एक सेंट्रल लेवल पे एक पुलिस कैडर बना रही है जिसमें जो यूटीज के पुलिस वाले हैं अब उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो एडल्ट्री नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक अभी वर्डिक्ट दिया है और उसमें बात की गई है कि जो एडल्ट्री होती है अब वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता और नहीं रहेगा। होता ये था कि ए और बी, इसमें जो बी फीमेल थी, ए मेल था, और बी यदि किसी सी जो कि एक मेल पर्सन था उसके साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करते थे तो ये एडल्ट्री होता था, और 497 जो ए था उसमें एडल्ट्री की बात की गई थी जिसके मुताबिक ए जो पर्सन था वो सी के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता था और इसमें पनिशमेंट की बात की गई थी 5 इयर्स के लिए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको जनरल न्यूट्रल बनाते हुए इसको हटा ही दिया है। अब मतलब जो 497 है IPC का, इसके मुताबिक जो एडल्ट्री है अब वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। कोई भी जो फीमेल है किसी अदर पर्सन के साथ इंडल्ज होती है तो उसको एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के बारे में है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में न्यू डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के लिए अप्रूवल दिया गया है। इससे पहले जो टेलीकॉम पॉलिसी थी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 इफेक्टिव थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उनको रिप्लेस करते हुए नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 को इनिशिएट किया है, इनका फॉर्मुलेशन किया है। इसमें जो पहले टेलीकॉम कमीशन था उसका अब नाम बदलकर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन कर दिया गया है। पहले टेलीकॉम कम्युनिकेशन नाम था, सॉरी टेलीकॉम कमीशन नाम हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कई सारे जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई है इसमें कई सारे इनिशिएटिव की बात की गई है। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे बात करें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की तो गवर्नमेंट ये है कि तकरीबन जो 40 लाख नए रोजगार पैदा करना चाह रही है। इसके अलावा हमारी कंट्री में जो डिजिटल कम्युनिकेशन है इसका GDP में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 6% के तकरीबन है। गवर्नमेंट इसको भी बढ़ाना चाह रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट चाह रही है कि 2022 तक सभी को डिजिटल सॉवरेनिटी अचीव करा दी जाए, मतलब सभी तक डिजिटल कम्युनिकेशन अवेलेबल करा दिया जाए। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे इसमें बात की गई है कि जो यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी होगी वो हर एक सिटीजन तक पहुंचा दी जाए और उसमें जो स्पीड होगी वो 50 Mbps होना चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत पे 1 Gbps की कनेक्टिविटी इंश्योर करना है और 2022 तक 10 Gbps तक पहुंचाना है, ठीक है, और ये स्पीड मच फास्टर देन प्रेजेंट स्पीड। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि नेशनल डिजिटल ग्रिड और नेशनल फाइबर अथॉरिटी भी
बनाई जाएगी और इसमें 5 बिलियन जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम के तहत। सॉरी, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क होता है फिजिकल डिवाइसेस का, व्हीकल, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, जिसमें ये पूरे की पूरी चीज काम करती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल मान लें स्मार्ट कार का, स्मार्ट कार, स्मार्ट होम, ठीक है, तो इसमें कोई भी जो कार होगी उससे एक्सीडेंट नहीं होना है, वो ऑटोमेटिक वे में डिसाइड कर लेगी कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, वो रुक जाएगी। तो यही है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब चीजें डिजिटल तरीके से, ठीक है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करते हुए ऑटोमेटिक सेल्फ से डिसीजन लेने लगते हैं, तो यही आपकी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनियन कैबिनेट के द्वारा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन जो पॉलिसी है उनका अप्रूवल दे दिया गया है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में है। अभी हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के तहत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के मुद्दे के ऊपर जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का जो वर्किंग ग्रुप है उनकी ईस्टर्न नेवल कमांड की विशाखापट्टनम में थर्ड मीटिंग हुई। फिर से बोलता हूं, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के तहत जो वर्किंग ग्रुप है उसकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानवीय सहायता, डिजास्टर रिलीफ, इन मुद्दों के ऊपर थर्ड मीटिंग हुई है जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर में आयोजित की गई। बात करें इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो 21वीं शताब्दी का ये एक इंटरनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो कि फरवरी 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इंटरनेशनल जो हमारा इंडियन ओशन है इसमें जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, एक डिस्कशन के लिए एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी जो इंडियन ओशन में जो रीजनल कंट्रीज हैं मैरीटाइम के को लेके यदि कोई इशू बनता है इनके बीच में तो ये एक टाइप का डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म है, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। इसमें तकरीबन 24 मेंबर्स स्टेट हैं और 8 ऑब्जर्वर नेवीज हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये एक फोरम है डिस्कशन के लिए जो भी रीजनल रिलेवेंट मैरीटाइम इशू रहते हैं। इसके अलावा ये मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज इन दी लिटोरल स्टेट, ठीक है, जो भी लिटोरल स्टेट हैं, आसपास के जो भी लिटोरल स्टेट हैं उनमें मैरीटाइम कोऑपरेशन को ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा 2014 में जो इंटरनेशनल ओशन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम था तो इसके तहत कुछ और सब वर्किंग ग्रुप बनाएगा जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, एंटी पायरेसी, ठीक है। तो ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम था इसकी जो 2014 की बैठक हुई थी उसमें एक चार्टर अडॉप्ट किया गया और उसमें सब ग्रुप बना दिए गए जो कि पर्टिकुलर फील्ड को देखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जैसा कि मैंने बताया। अगली न्यूज प्रगति के बारे में है जहां पर प्रगति का फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो स्टेट के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और जो वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उनके बारे में जानकारी ली, उनका जायजा लिया गया। ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसका नाम प्रगति है, प्रगति जिसका फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये इंटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म होगा जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस में मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कॉमन मैन की कोई भी परेशानी है अब वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है और उसकी जो भी समस्या है उनका निपटारा कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो करप्शन होता है उसको भी कर्व करना चाह रही है, तो इसमें गवर्नमेंट मतलब किसी भी स्टेट में एक ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, कोई भी समस्या हो रही है तो अब वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके उसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है और कॉमन मैन की जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको सुलझा लिया जाएगा। डायरेक्ट उसमें पीएम मोदी जो भी किसी भी स्टेट के सेक्रेटरीज होंगे उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस पे इंटरेक्शन करेंगे और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही है, जो भी कहीं पे कुछ भी सिचुएशन खराब होती है तो उसकी ग्राउंड लेवल पे जानकारी ली जा सकेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रगति है ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट की हेल्प ली जाएगी और कोई भी जो कॉमन मैन होगा उसकी जो समस्या है
उसको सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कॉपरेटिव फेडरलिज्म को भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, इसमें गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, स्टेट के जो सेक्रेटरीज हैं, उनका भी इंटरेक्शन होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको प्रगति के बारे में। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो G4 नेशन के बारे में है। G4 नेशन की अभी मीटिंग हुई, तो आपको ध्यान रखना है G4 नेशन ये 2005 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था और इसमें चार कंट्रीज हैं आपके, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके मकसद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन जो G4 नेशन है जिसमें आपके ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान है, इन चारों का कहना यह है कि यूएन में हमको परमानेंट सीट चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है G4 नेशन की अभी हाल ही में बैठक हुई थी। इसके बाद दोस्तों कल हमने मैंने आपसे क्वेश्चन रखा था, तो हम इसका आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कंसीडर दी फॉलोइंग, तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए थे और फिर इसके बाद हमको करेक्ट बताना था। इसमें सबसे पहली बात तो ये बोली गई थी कि इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी अपोजिशन वाज दी स्वतंत्र पार्टी, तो दोस्तों ये बात गलत है। जो स्वतंत्र पार्टी थी ये उस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, ये 1959 से लेके 1972 के बीच में ये पार्टी बनाई गई थी, जो सी राजगोपालाचारी थे उनको ऐसा लग रहा था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में, तो उसके अपोनेंट में उन्होंने ये स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी के द्वारा बनाई गई थी, और जो 1961-62 के जो चुनाव हुए थे, जो थर्ड इलेक्शन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, ना कि पहले चुनाव में। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरी जो बात है, इन दी लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, तो ये बात सही है। ठीक है, 1969 में लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है कि मिनिमम 75 मेंबर होना चाहिए तभी लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन मिलता है, तो ये बात भी गलत है। लोकसभा हो या राज्यसभा 10% का रूल लगता है। ठीक है, 545 या जो भी राज्यसभा की सीट्स हैं वहां पे 10% होगा तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिल जाएगा, तो इस तरीके से बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और बाकी जो पहला और तीसरा है वो गलत है। और इसमें जो दूसरा है कि डेजर्ट एरिया में वाटर लॉस को रोकने के लिए जो लीफ है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीफ, टिनी लीफ, ठीक है, कांटे हो जाते हैं, तो ये तीनों बातें सही है, तो इस तरीके से आंसर डी हो जाता है, और आप में से किसी एक ने करेक्ट आंसर दिया भी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये आज के क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन रिप्लाई करना है कमेंट में। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और CPCB, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने चैंपियंस बात की, जिसमें मैंने बताया कि ये अवार्ड है UNEP के द्वारा 2005 से दिए जा रहे हैं, और जो कोची एयरपोर्ट है और जो PM मोदी है उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हमने अस्त्र मिसाइल के बारे में बात की, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और अभी हाल ही में इसका टेस्ट लगाया गया है, DRDO के द्वारा इसको तैयार किया गया था। पुलिस फोर्स रूल्स लाया गया, जिसमें मैंने बताया कि जो यूटी की पुलिस रहेंगी अब उनको मिला के एक सेंट्रल पुलिस कैडर बनाया जाएगा और उनको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। एडल्ट्री अब कोई क्राइम नहीं है। इसके बाद नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसके बाद इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की जो थर्ड मीटिंग थी अभी वो हाल ही में बैठक हुई उन लोगों की। इसके बाद हमने प्रगति, मैंने बताया कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाएगा और जो कॉमन मैन है उसकी ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाएगा, करप्शन को रोका जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी जरूरी प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका टाइमली इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, अब उनको मॉनिटर भी किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और सबसे लास्ट में G4 नेशन के बारे में हमने बात की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।